जामिया कराची के असाज़ा भी तनख्वाह में इजाफे का मुतालबा लिए मैदान में निकलाए। असाज़ा की तरफ से सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। असाज़ा ने सरकारी मुलाजमीन के साथ मुकम्मल इजहार यकजहती का इजहार करते हुए गिरफ्तार मुलाजमीन की फौरी रिहाई का मुतालबा किया है। जामिया कराची के लेक्चरर्स ने कहा कि सियासतदानों के लिए मराहत और तरक्याती फंड, लेकिन मुलाजमीन के लिए लाठी और गोली, ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। इस पर मजीद तफसीलात जानते हैं कराची में चैनल 51 के नुमाइंदे उमर से। जी उमर, क्या कहना है कराची में यूनिवर्सिटी के एहतजाज में? मैं कराची के असाज़ा का तनख्वाहों में इजामे के लिए जामिया कराची में एहतजाज किया जा रहा है। असाज़ा का कहना है कि महंगाई में 200 से 300% जबकि तनख्वाहों में 10% इजाफे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। सिर्फ और 40% इजाफा किया जाए, जबकि यूटिलिटी अलाउंस का इतलाक जामिया कराची के मुलाजमी और असाज़ा के लिए भी मुकर्रर किया जाए। असाज़ा का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद में सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद और गिरफ्तारियां काबिले मजम्मत है। हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि सरकारी मुलाजमीन का इस्तेहसाल बंद किया जाए, जबकि गिरफ्तार मुलाजमीन को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया उमर, आपने कहा कि गिरफ्तार मुलाजमीन को फौरी रिहा किया जाए। ये था कराची के यूनिवर्सिटी के एहतजाजी असाज़ा का मुतालबा। और नाज़रीन, मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।